वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल परेश जैन में स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान के व्लॉग को पसंद करने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। राजस्थान के बाद अब जो है सीधा मैं आया हूँ गोवा। पिछले साल कोविड के चलते मैं गोवा आ नहीं पाया था और ऐसा 20 साल में पहली बार हुआ है कि मैं गोवा नहीं आया हूँ। तो गोवा की जो धरती है, गोवा के जो बीचेस और गोवा के जो पाम ट्रीज है, वो चीख चीख के मुझे बुला रहे थे, तो उनकी आवाज़ को मैं नज़र अनदेखा नहीं कर सकता था। तो लास्टली आज मैं गोवा आ चुका हूँ। तो इस बार गोवा में मेरा एक लॉन्ग वीकेंड, लॉन्ग हॉलीडे के लिए मैं आया हूँ और हर साल की तरह इस साल भी फिर से एक बार मैं आरंबोल, जो कि मेरा पसंदीदा बीच है, वहीं पे मैं स्टे करने वाला हूँ। और इस बार आरंबोल पे स्टे करने के लिए मैंने लव टेम्पल करके एक बहुत ही खूबसूरत सी प्रॉपर्टी है जिसे मैंने चुना है और वहीं पे मैं स्टे करने वाला हूँ। पिछली बार जब गोवा आया था तो मैंने लव टेम्पल प्रॉपर्टी को शूट करके उसका वीडियो डाला था, लेकिन अब जो है लव टेम्पल प्रॉपर्टी बहुत ही अपग्रेड हो चुकी है, बहुत ही खूबसूरत हो चुकी है। कई प्रकार के डिफरेंट रूम्स यहाँ बन चुके हैं, तो मैंने भी वैसा ही कोई डिफरेंट रूम इस बार बुक किया है जिसे कहते हैं कि टेंट फ्रंट बीच हट है ये, तो वहाँ पे मैं स्टे करने वाला हूँ। तो चलते हैं, सीधे चेक इन करते हैं और आपको भी इस प्रॉपर्टी को फिर से एक बार शूट करके दिखाऊंगा, अपने आप को भी अपडेट करूंगा और साथ में आपको भी इस प्रॉपर्टी के बारे में अपडेट करूंगा। चलिए दोस्तों, तो करते हैं चेकिंग। लास्ट टाइम जब यहाँ पे आया तो काफ़ी कुछ अलग था प्रॉपर्टी को, उन्होंने काफ़ी कुछ बदल दिया, इस बार बहुत सारा कुछ अपडेट कर दिया यहाँ पे। तो इस वक्त यहाँ पे भी मेरे सामने जो रूम्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे हिसाब से करीब करीब यहाँ पे 3 से 4 कैटेगरी के रूम हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको पूरी अपडेट लेके आपको सारे रूम्स, हो सकेगा तो मैं टूर भी कराऊँगा और मैं जिस रूम में उतरा हूँ उसको तो मैं डेफिनेटली आपको दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, रूम को तैयार होने में भी 1 घंटे का समय है, तो मैंने सोचा तब तक कि मेरा जो राजस्थान का व्लॉग 4 है, जो कल रात को बैठ के मैंने पूरा एडिट किया है, उसे मैं यहाँ से अपलोड कर देता हूँ और कल की तारीख में सुबह 9:30 बजे के लिए स्केड्यूल कर लेता हूँ। तो मेरे पास 1 घंटे का समय है, तो इसका मैं पूरा उपयोग कर लेता हूँ। सुबह से मैंने अभी तक कुछ खाया नहीं है, नाश्ता नहीं किया है, तो दिन की शुरुआत जो है ऑरेंज जूस के साथ में। एक और बात कहूँगा, पिछले व्लॉग में भी गोवा के मैंने कहा था कि जब कभी भी आप गोवा आओ तो यहाँ पे ऑरेंज जूस को आप पीजिए, वो भी बिना शुगर के। यहाँ का ऑरेंज जूस बिना शुगर का बहुत ही स्वीट होता है, तो जब कभी भी आओ तो यू मस्ट ट्राई। दोस्तों, ठीक 11:30 बजे मैं आज यहाँ पे पहुँच चुका था और मेरा रूम भी करीब करीब 12 बजे के आसपास रेडी था, लेकिन मुझे जो चाहिए था वो रूम वैसा नहीं था, मुझे थोड़ी प्राइवेसी वाला रूम चाहिए था। तो इन्होंने मुझसे कहा कि आपको 1 घंटा और वेट करना पड़ेगा, तो 1 घंटा वेट करते करते अब बच चुके हैं 2-2.5 घंटे मेरे बिगड़ चुके हैं रूम के चेकिंग करने के लिए। तो फाइनली मेरा रूम रेडी है। इस वक्त मैं, मेरे पीछे जो आप रूम देख रहे हो वही मेरा रूम है और सामने जो है ये है समंदर। तो अब आपको सीधे ले चलता हूँ मेरे रूम में, आप भी देखिए रूम कैसा है। तो दोस्तों, फाइनली मैं अपने रूम पे आ चुका हूँ और सच कहूँ तो रूम बहुत ही खूबसूरत है और सामने का लोकेशन बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही ज़्यादा प्राइवेसी है, जैसा मुझे चाहिए था वैसी प्राइवेसी है। तो दोस्तों, अब फटाफट नहा धो के फ्रेश हो के चला जाएगा सीधा बीच पे, लेकिन सुबह जब घर से निकला था तो घाई घाई में मैं अपना टूथब्रश और टूथपेस्ट दोनों भूल चुका हूँ और कुछ ज़रूरत के सामान जो है वो भी मुझे मार्केट से लेने पड़ेंगे। तो फ्रेश होके मैं जाऊँगा मार्केट और वहाँ से कुछ सामान खरीदेंगे, फिर रूम में आएंगे और फिर यहाँ से आज का जो डे 1 जो है वो शुरू करेंगे और आपको भी मेरे साथ में
पूरे बीच पे घुमाऊंगा और जो कुछ भी मैं देखूंगा वो शूट करके आपको भी दिखाऊंगा। दोस्तों ऐसे बता दूं कि गोवा आने से पहले काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा था कि गोवा में मत जाओ यार, लॉकडाउन है, कहीं पर भी कोई पब्लिक नहीं है और लोग मिलेंगे ही नहीं, पूरे बीच जो है वो खाली पड़े हुए हैं। लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, दूर दूर तक जो है बीचेस जो है पूरे के पूरे भरे पड़े हुए हैं। ऐसा ही नहीं कि इंडिया से बल्कि पूरे दुनिया के हर कोने से लोग यहाँ पे आ चुके हैं। और आपको एक और बात बताऊं दोस्तों, जो मेरी बात हुई 2-3 दिन पहले, बिकॉज़ मेरे काफ़ी सारे इंटरनेशनल फ्रेंड्स भी हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि इंडिया में आने के लिए बहुत सरल और आसान रास्ता जो है वो है बिजनेस वीज़ा। अगर उनका कोई इंडिया में कोई बिजनेस है तो उस बेस के ऊपर उन्हें यहाँ पर वीज़ा मिल जाता है, और अगर मेडिकल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हो तो उस बेस पे भी उन्हें वीज़ा मिल जाता है। तो दोस्तों सीधी भाषा में कह रहा हूँ, जो आप न्यूज़ में सुनते हो, जो आप टीवी में देखते हो, पेपर में पढ़ते हो, वो सारी बातें एक तरफ है, पब्लिक यहाँ पे भरी पड़ी हुई है, गोवा लोगों से भरा पड़ा हुआ है, पार्टीज़ जो है जहाँ तक मैंने सुना है चालू है, फुल ऑन चालू है। अब रात को मैं देखूँगा कि पार्टीज़ का क्या सीन है, जब मैं खुद जा के प्रैक्टिकल देखूँगा कि 11 बजे के बाद में वाकई में लॉकडाउन है कि नहीं, तो मैं आपको बताऊंगा। पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई लॉकडाउन यहाँ पे है, लोग घूम फिर रहे, इंजॉय कर रहे, खा पी रहे। तो आपसे भी यही कहूँगा कि यार ज़्यादा न्यूज़ मत जाओ, आओ घूमो फिरो और मज़े करो यार। इस वक्त जो है करीब करीब शाम के बजे है 5:10, और मेरे पीछे आप देख सकते हो कि सारे जो टेबल और कुर्सी लगे हुए हैं ये सनसेट को देखने के लिए। और करीब रात को हर बार ऐसा ही होता है कि इवनिंग के टाइम पे 6:30 बजे के आसपास ये जो चेयर्स और टेबल लग जाते हैं यहाँ पे, और फिर करीब करीब रात को 11-12 बजे तक यहाँ पे पूरे बीच के ऊपर जो है वो लाइटिंग लगती है और काफ़ी सारे लोग जो है यहाँ बैठ के डिनर लेते हैं, ड्रिंक्स करते हैं, बातें करते हैं, पार्टी करते हैं, गॉसिपिंग करते हैं। तो रात के टाइम ये जो माहौल होता है बहुत ही खूबसूरत होता है। तो कोशिश करूँगा रात को, मैं अगर यहाँ से निकला तो मैं डेफ़िनेटली उसे शूट करूँगा। हालांकि पिछले व्लॉग में सब कुछ शूट किया हुआ है, पर फिर भी इस बार वापस आया हूँ, तो जिन लोगों ने पिछला व्लॉग नहीं देखा है उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी कि फिर से भाई एक बार आरंबोल को देख लो। काफ़ी सारे लोग जो है वो आरंबोल पर आते हैं और उन्हें लगता है कि इतना ही बीच है ये, जैसा कि मेरे इस वक्त राइट में आप देख सकते हो, उन्हें लगता है कि बीच यहाँ पर दी एंड हो जाता है। मैंने मेरे पिछले व्लॉग में भी कहा है कि बीच यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है, बल्कि इसे अगर आप क्रॉस कर लेते हो और उस पार चले जाते हो तो वहाँ पे स्वीट लेक है, जो कि आरंबोल की सबसे बड़ी ब्यूटी जो है वो वहीं पर है। आरंबोल बीच पूरा एक तरफ है और स्वीट लेक जो है पूरा एक तरफ है। बीच में जिम में मैंने अपने दोस्त से भी कहा था कि आरंबोल बीच अगर जाओ तो इस जो सामने वाले जो कॉटेजेस को है उसको क्रॉस करो, ये पूरा जो क्रॉस करते हुए उन पत्थरों को जो है, जो रॉक्स को है, वहाँ से निकल के अगर आप आगे चले जाओगे तो बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा है। बट काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आते हैं, स्पेशली इंडियंस की बात कर रहा हूँ, जिन्हें पता नहीं कि इसके बियॉन्ड भी एक अलग दुनिया है। तो मैं कहूँगा कि जब कभी भी आते हो आरंबोल तो डेफ़िनेटली यार मेरा एक वीडियो देख लो, काफ़ी कुछ इसमें डाला हुआ है इन्फॉर्मेशन मैंने, तो उसे देख के फिर अगर आप यहाँ पर घूमोगे फिरोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। करीब करीब 4 साल पहले जब मैं गोवा आया था तो मैं इसी हट में स्टे किया था मैंने। ये जो हट है मेरे दोस्त की है, शिवा की, अक्सर मैं फ़ोन करके उसे यहीं पे बुक कर लिया करता हूँ, लेकिन इस बार जो मेरा प्लान था वो कहीं और पे स्टे करने का था, तो इस बार मैंने इस हट में स्टे नहीं किया। बाकी अगर आपको इस हट में स्टे करना हो तो करीब करीब 700 से 800 रुपये का इसका रेंट है पर डे का, और लोकेशन बहुत ही ब्यूटीफुल है। इस हट के ठीक बिल्कुल सामने जो है वो ये देखिए, बिल्कुल सामने जो है वो समंदर है, बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है। और ये पूरा जो हट है बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही सेफ्टी से भरा हुआ है। आप अगर यहाँ पे कोई भी आपके गैजेट्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं, क्योंकि सारे जो हट्स हैं वो वुडन कॉटेजेस है, तो कहीं पे कोई चोरी होने की कोई संभावना नहीं है। और मैं खुद यहाँ पे स्टे कर चुका हूँ, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि जब कभी भी गोवा आओ तो पितृ छाया करके इसका नाम है, ऑनलाइन भी आप बुक कर सकते हो, booking.com, मेक माई ट्री सब में इसके हट्स अवेलेबल है। 750 से 800 रुपीज़ का इसमें स्टे है, तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए।
दोस्तों लव टेम्पल में मैंने 3 दिन की बुकिंग की और उसके बाद जो है मुझे फिर से अपना जो रूम जो है वो चेंज करना है। तो लास्ट टाइम जो मैं जहाँ मैंने स्टे किया था 2 साल पहले, उसके ठीक ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे एक और ब्यूटीफुल सा रूम है जिसके ठीक सामने समंदर है। तो अब मैं वो देखने के लिए आया हूँ और आपको भी वो रूम दिखाता हूँ। अगर अच्छा लगेगा तो 3 दिन के बाद में हो सकता है कि यहाँ पे शिफ्ट हो जाऊँ, तो आपको भी ले चलता हूँ मेरे साथ में। देखिए दोस्तों, इस जगह पे बहुत ही ज़बरदस्त प्राइवेसी है और लास्ट टाइम भी मैं इसके ठीक नीचे वाले रूम में ही मैंने स्टे किया था 2 साल पहले और मैंने बहुत ही ज़बरदस्त इन्जॉय किया था यहाँ पे। हो सकता है कि इस बार फिर से अगर मेरा मूड चेंज हो तो लव टेम्पल को छोड़ के मैं 3 दिन के लिए यहाँ पे फिर आ सकता हूँ और यहाँ स्टे कर सकता हूँ। अगर आपको भी अच्छा लगे तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। मैं कॉन्टैक्ट नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में छोड़ूंगा, जब कभी गोवा आना हो तो उस पर कॉल कीजिए और इस रूम को बुक कीजिए। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इस रूम का जो चार्ज है वो करीब 1000 रुपीज़ पर डे है। तो आके एंजॉय कीजिए। दोस्तों, अगर गोवा आके एंजॉय करना है तो मैं आपको बता दूं कि आप कहीं पर भी स्टे कर लो, लेकिन आरंबोल के इस तरफ जो टूवर्ड्स स्वीट लेक की तरफ जो रास्ता है, इस बिटवीन में जो भी आपको होटल मिले, जो भी आपको लोकेशन मिले, वहाँ पे आप स्टे करो तो ही आप रियल जो है गोवा का फील कर सकते हो, बीचेस को फील कर सकते हो, समुंदर की आवाज़ को आप फील कर सकते हो। इतना खूबसूरत यहाँ पे एम्बियंस है, इतना खूबसूरत लोकेशन है, इतनी ब्यूटीफुल जगह पे आप रहते हो और फिर भी उसका जो रेंट है ना बहुत ही मिनिमम है, 1000 रुपीज़ से लेके 1200-1300 और इट स्टार्ट्स फ्रॉम 700-750 रुपीज़। दोस्तों 700-750 में और 1000-1500 की रेंज में मुंबई में या दुनिया के किसी कोने में आपको समुंदर के किनारे रहने का मौका नहीं मिलता है। तो फिर से कहता हूँ दोस्तों, आओ आरंबोल पे स्टे करो और लाइफ को एक अलग तरीके से देखो और उसे इंजॉय करो। तो अभी जो है शिवा के साथ में एक और बहुत ही ब्यूटीफुल सी प्रॉपर्टी है आरंबोल पे, जो कि हिल के ऊपर है। पिछली बार भी जब मैं यहाँ पे आया था तो मुझे वहाँ की बुकिंग नहीं मिली थी, करीब 5,500-5,000 रुपये का रेंट था और जो विला था वो हिल के ऊपर और वहाँ से आरंबोल का ब्यूटीफुल व्यू दिखता है। इस बार शिवा से मैंने वापस बात की है कि अगर कुछ डिस्काउंटेड प्राइस में मुझे मिल जाए तो डेफिनेटली मैं वहाँ 2 या 3 दिन के लिए स्टे करना चाहूँगा। तो अब शिवा के साथ में जो मैं है सीधा उसी प्रॉपर्टी को देखने के लिए उसके साथ उस हिल पे जा रहा हूँ और उसका पूरा वीडियो शूट करूँगा और आपको भी दिखाऊँगा। जब कभी आप भी आओ तो उस प्रॉपर्टी को आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो। वहाँ पे करीब करीब जो है 3 से 4 बेडरूम है। कितने बेडरूम है आपको ऊपर जाके ही दिखाऊँगा एक बार, चलिए मेरे साथ। दोस्तों इस वक्त मैं हिल के ऊपर आ चुका हूँ और बंगलों के ठीक बाहर खड़ा हूँ और इसके सामने का जो व्यू है वो भी आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगा। कितना खूबसूरत नज़ारा है, इस वक्त कैमरा रोटेट करता हूँ और सामने का जो व्यू दिखाता हूँ और फिर आपको सीधा लिए चलता हूँ बंगलों के अंदर। दोस्तों इस वक्त दुर्गा जो है आरंबोल से मेरे साथ में है। 2012 से लेके आज 2022 हो गया है
और इतने सालों की हमारी दोस्ती है, हम अक्सर व्हाट्सएप पे चैट करते रहते हैं और जब भी कभी गोवा आता हूँ तो मैं दुर्गा को कॉल करता हूँ और रूम्स के लिए मैं से पूछता हूँ कि भाई कोई अच्छा सा ब्यूटीफुल सा रूम मुझे दे दे जो कि ठीक समुंदर के सामने हो। तो इस वक्त आज वापस संजोग से मैंने कॉल किया था इसे, लेकिन मुझे कोई अच्छा रूम मिला नहीं था उस वक्त। तो अभी मैं यहाँ से बाईपास हो रहा था और मुझे आरंबोल बीच के ऊपर दुर्गा फिर से मिल गया। तो दुर्गा ने मुझे बुलाया तो मैं बहुत खुश हो गया उसकी आवाज़ को सुन के, और दुर्गा ने मुझे एक रूम बताया है, हालांकि थोड़ा छोटा है लेकिन व्यू तो देखिए। इस वक्त मैं इस रूम के बालकनी में खड़ा हूँ और मेरे सामने का व्यू देखिए दोस्तों। दुर्गा का नंबर मैं इस वक्त डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा। जब कभी भी गोवा आते हो, आरंबोल बीच के ऊपर स्टे करने का मन करे, ठीक समंदर के सामने सनसेट देखने का मन करे, तो ज़रूर गोवा में आके दुर्गा को कॉल कीजिए, यह आपकी सेवा में हाजिर रहेगा और बेस्ट से बेस्ट जो होगा वो आपके लिए करके देगा। क्यों गोवा बराबर दुर्गा बराबर बराबर परफेक्ट है। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों इस वक्त जो है सनसेट होने की पूरी तैयारी पे है और जो मेरे पीछे का जो आप रास्ता देख रहे हो वो है बिल्कुल जो रास्ता जा रहा है वो स्वीट लेक की तरह जा रहा है। पिछले व्लॉग के अंदर मैंने इसे भी शूट किया था, स्वीट लेक के आने का की तरफ आने का पूरा रास्ता मैंने दिखाया था। तो अब इस बार जो है पूरा रास्ता मैंने शूट नहीं किया, लेकिन मैं लोगों से मिलते जा रहा हूँ जो पुराने मेरे दोस्त हैं जिनसे मैं सालों से मिलते रह रहा हूँ। दोस्तों सच कहूँ तो दुर्गा से मिलके बहुत अच्छा लगा, शिवा से मिलके बहुत अच्छा लगा, सुधीर से मिलके बहुत अच्छा लगा। सुधीर का जो बंगलो मैंने दिखाया आपको शूट करके अभी, जो 3 या 4 बेडरूम का जो पूरा विला है, ब्यूटीफुल विला है दोस्तों, उसका रेंट जो है 5,000 रुपया पर नाइट का है, लेकिन बिलीव करोगे सुधीर ने मुझे ऑफ़र किया है सिर्फ 2,000 रुपये के लिए। लेकिन मैं इस बात को लेकर कन्फ्यूज़ हूँ कि मैं अकेला हूँ तो इतने बड़े विला में मैं करूँगा क्या। वाकई में दोस्तों अगर 2-3 कपल होते तो डेफिनेटली मैं उस पर स्टे करता और उस विला को इन्जॉय करता, और हो भी सकता है कि मैं बुक भी कर लूँ, पता नहीं कल क्या सोचूँ मैं। लेकिन इस वक्त जो है मैं सनसेट को इन्जॉय कर रहा हूँ, तो आप भी मेरे साथ सनसेट को इन्जॉय कीजिए। देखिए ठीक मेरे सामने है।